एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। तो हमारे यहाँ क्या आया है? तो हमारे यहाँ आ गया है स्मार्ट टीवी, जो कि हमारा टीवी ख़राब हो गया था तो हम लोगों को टीवी लेना ही पड़ा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थे कि अभी स्मार्ट टीवी लेंगे। तो अभी चल रहा था, लेकिन टीवी एकदम अचानक ही ख़राब हो गया तो हम लोगों को लेना ही पड़ा। क्योंकि टीवी जब घर में नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है घर में, और कुछ काम हम लोग काम कर लेते हैं तो फिर ये लगता है चलो टीवी देखते, और वैसे चाहे ना भी देखें टीवी, अगर टीवी ख़राब है तो मन होता ही रहेगा कि चलो टीवी ही देखते, अगर सही होता तो टीवी ही देखते। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है कि मेरे ही साथ हो रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी स्मार्ट टीवी सोनी कंपनी का है और 40 इंच का है, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। अभी ये भी टीवी यहीं रखा हुआ है, हम लोगों ने हटाया नहीं है इसे। अभी ये सेट करने वाले भैया जो लेके आए थे वही सेट कर गए हैं यहाँ, लेकिन ये भी टीवी हम लोगों को हटाना है। और सेटअप बॉक्स इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो उसके लिए भी हम लोग एक स्टैंड लेके आए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है सेटअप बॉक्स का स्टैंड जो कि हम लोग मार्केट से लेके आए हैं, और ये सेट हो जाएगा, इसी के ऊपर रख जाएगा रिसीवर। मेरा स्मार्ट टीवी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर। और मैं चलिए चलते हैं किचन में। मैंने थोड़ा सा निकाला हुआ था खोया, तो उसके बनाऊंगी मैं गुलाब जामुन, और मैंने चाशनी बनने रख दी है और हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो स्मार्ट टीवी आ गया है तो कुछ मीठा तो बनता ही है, तो मैंने कहा सोचा चलो गुलाब जामुन बना लेते हैं। और मैंने जिसको जिसको मैसेज किया था और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और मैंने भी उनका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आप लोग, उसके लिए दिल से थैंक। चाशनी मैंने यहाँ बनने रख दी है, तो रसगुल्लों की चाशनी थोड़ी पतली ही बनती है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनती है। और इसमें मैंने डाल दी हैं 2 इलायची, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आए। मैंने खोया को खूब अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी सूजी, तो सूजी कुछ मैंने 4 से 5 चम्मच डाली हैं इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी मैदा, तो दोनों को मिक्सअप करके रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। सूजी मैदा डाल के मैंने खूब अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया, और जितना ही आप मैश करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके बढ़िया रसगुल्ले बनेंगे। यहाँ मैंने बहुत अच्छे से मली लगा ली है और मेरी चाशनी भी यहाँ बन गई है, और मैं फिर से एक बार इसे
बहुत अच्छे से मली लगाऊंगी, क्योंकि जितना ही हम मलेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे रसगुल्ले सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ हमारी चाशनी भी रेडी हो गई है और मैंने कुछ इसमें केसर की पत्तियाँ डाल दी हैं, इसलिए मैंने केसर की पत्तियाँ डाली हैं। वो थोड़े थोड़े से पीले कलर के हो जाते हैं तो एकदम रेडीमेड लगते हैं। इसकी बनाऊंगी मैं गोलियाँ और इसके अंदर भरूंगी मैं चिरौंजी, क्योंकि गांठ ना पड़ जाए। गुलाब जामुन बहुत अच्छे बने थे और मैं काफ़ी थक गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो यहीं वीडियो का एंड कर देती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस करें। और मैं मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर यू।